ये क्लास में आज फिर से स्वागत है आपका। देखिए मैं आपको आज कक्षा 10 के बारे में बताता हूँ। इसमें हमारे पास चौथा सवाल आता है पहली एक्सरसाइज का, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक n के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसमें हमें एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय के फार्मूले से चलेंगे हम, जो हमारे पास होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। उसके रूप में हम एक फार्मूला मानेंगे यहाँ, यानी कि माना a बराबर 3q+r, ये मान लिया r से, ये चीज ले ली हमने, इसको समीकरण एक नाम दे दिया। फिर हमारे पास यानी कि 3 तक स्टेप आया है, तो यहाँ पे हमें r की जगह कुछ मानों को पुट अप करना है, वो हम मानते हैं कि 0, 1, 2, ये ले लिया। तो यहाँ लिखते हैं r बराबर 0 पर, अब r की जगह 0 रखना है यहाँ, तो a इज इक्वल टू 3q+0 हो गया, तो a इज इक्वल टू 3q। अब हमसे वर्ग की बात कहिए तो इसमें दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ेगा, यह लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इधर a स्क्वायर हो जाएगा, इधर 3q का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3×3=9 और q² हो जाएगा। ये हमारे पास स्टेप बनेगा, इसको हम स्टेप भी लिख सकते हैं 3×1 × 3 q², ठीक है। तो यहाँ हम इसको मान सकते हैं जहां यानी कि 3q² = m, अगर इसकी जगह हम m रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा = 3m, ठीक, इसके रूप का हमारे पास बन जाएगा 3m के रूप का। फिर हम दूसरा चलते हैं r = 1 पर, अब r की जगह हमको 1 रखना है, तो a = 3q+1, इसमें भी क्या करना है, वही काम हमें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम तो इधर a² हो जाएगा = 3q+1 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर बोलेंगे हम तो यानी a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2 वाले फार्मूले, इसे बोलेंगे तो हो जाएगा 3×3=9 q² + 1 का स्क्वायर 1 ही होगा + 2 2×3=6 q, ये निकल के आता। फिर इसी के आगे चलते हैं हम, यानी कि a² = यानी ये 6 वाला स्टेप इसके साथ ले लेंगे 9q² फिर +6q+1, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसमें 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 3×9 3q² + 3×2 6 2q और +1, ये चीज ले लेंगे। अब यहाँ पर भी हम मान सकते हैं जहां यानी कि 3q² + 2q = m, तो यहाँ रख देंगे इसको तो 3m+1 ये बन जाएगा हमारे पास, यानी कि 3m+1 के रूप का बन जाएगा ये हमारे पास। फिर हम ऊपर चलते हैं, ठीक r बराबर 2 पर, तो 2 पर चलेंगे हम तो 2 पर लिख सकते हैं a = 3q+2, अब इसका भी वर्ग करेंगे तो a² = इसका भी वर्ग करते हैं हम 3×3=9 q² + 2×4 और +2ab, 2ab का मतलब ये है हमारे पास 2 फार्मूले का होगा, ab ये दोनों पद आ जाएंगे, 2×3=6, 6×2=12 12q, ये निकल के आता है। इसका सोलूशन करेंगे हम तो 9q² इस चीज को ले लेंगे +12q इधर और +4 इधर, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे हम, यहाँ पर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो 3 कॉमन लेंगे, इसको भी एक रूप में इसी रूप से बनाना है इसी टाइप से 3m+ के रूप में, तो हम क्या करेंगे 3 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर हमारे पास बने बचेगा 3×9 3q² + 3×4 12q। फिर हमारे पास इसमें से हम एक 3 स्टेप अलग ले लेते हैं, जिसे 1 के रूप में मानेंगे जो 3 कॉमन ले चुके हैं, और ये 1 अलग ले लेंगे क्योंकि इसका सोल्यूशन करेंगे 3 × 3 3 × 1 = 4 इसके बराबर हो जाएगा, तो इस रूप में हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही लिखेंगे जहां 3q² + 4q + 1 = m, ये मान लिया तो ये इक्वल टू हो जाएगा 3m+1, ये भी हमारे पास इसी रूप का बनेगा आगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब इससे सिद्ध होता है कि किसी पूर्णांक
कि किसी पूर्णांक का वर्ग की किसी पूर्णांक का वर्ग 3n या 3n प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ये हमारे पास इसका यानी कि सलूशन हो जाएगा, ये हम सिद्ध करके दिखा चुके हैं इसको। देखिए फिर हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल है पांचवा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m 9m कॉमा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसका सलूशन करने के लिए क्या करें, देखिए बेहद ही सिंपल तरीका है। इसमें हम मानते हैं माना है एक धन पूर्णांक है जो 3m कॉमा 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप का है। तब इसका सलूशन हम करते हैं, घन के रूप में चलेंगे, हमने लिया 3m और इसका कर दिया घन यानी कि 3m का होल क्यूब। इसका क्यूब खोलेंगे तो 3 का होता 27 और m का हो जाएगा m क्यूब यानी तृतीया 27। इसको हम लिखेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 3m क्यूब ये ले लेंगे। फिर हमारे पास अगला स्टेप आता है 3m प्लस 1, इसका भी जब हम घन करेंगे तो 3m प्लस 1 इसका क्यूब चढ़ा दिया। इसमें अब हम क्यूब वाला फार्मूला खोलेंगे जो हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब होता है यानी a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होता, उसी से बोलेंगे यानी a की क्यूब इस टाइप से होगा 3m का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3ab का मतलब है 3m मल्टीप्लाई 1 ब्रैकेट में 3m प्लस 1 ये हो जाएगा हमारे। इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास इसको बोलेंगे हम तो 3 × 9 = 27 एम क्यूब हो जाएगा, वन का तो वन ही निकलेगा और प्लस 3 × 9 9m हो रहा, 9m से इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 × 27 एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस और फिर 9 से इसके साथ भी बड़ा होगी तो 9m हो जाएगा। ये आया हमारे पास। तो क्या करेंगे, ये वाला स्टेप इधर ले लेते हैं, इसमें वन को अलग लिख लेंगे, जब इसको हम इसकी साथ लिखेंगे तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं हम, हमने ले लिया यहाँ 9 कॉमन, हमारे पास 9 × 27 3m क्यूब बचा, फिर हमारे पास 9 × 27 यहाँ पर भी 3m स्क्वायर बचा और वहां पर बचा जाके m ये बचा और वन को हम लिख लेते हैं अलग, ठीक ये भी हमारे पास इस रूप का बन जाएगा। फिर आगे हम चलते हैं यानी कि 3m प्लस 2 ये ले लिया, अब इसको भी हम इसका वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करने पर 3m प्लस 2 का होल क्यूब, इसका भी इसी फार्मूले से इसको बोलेंगे हम तो a की क्यूब 3 × 9 9 × 27 पहले लिख लेते हैं इसी टाइप से, फिर इसका क्यूब खोल लेंगे प्लस 2 का क्यूब प्लस 3m मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3ab हो गया, फिर ब्रेकेट में आ जाए 3m प्लस 2 ये ले लिया इसको, इसको बोलेंगे 3 × 9 9 × 27 एम क्यूब हो जाएगा, फिर प्लस 2 का घन 8 होता है, फिर प्लस 3 × 9 9 × 2 = 18 तो 18 × 3 = 54 होता है 54 एम स्क्वायर प्लस 18 × 2 = 36 36 एम आ जाएगा, ये हमारे पास ये निकल के आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके इसके अंदर भी मल्टीप्लाई हमने कर दी है, अब क्या करेंगे ये वाला स्टेप लेना है, इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, इस 8 को अलग रखना है क्योंकि इस रूप में बनाना है हमें, तो हमने यहाँ ले लिया कॉमन 9, हमारे पास 9 × 3 = 27 3m क्यूब बचा, फिर हमारे पास 9 × 6 = 54 6m स्क्वायर बचा, फिर 9 × 6 = 36 यानी कि 4m बचा और प्लस का 8 हम अलग ले लेंगे, ठीक। अब देखे ये दोनों ये भी हमारे इस रूप का बन गया जाके यानी कि ये बना जाके हमारे पास ये वाला, फिर इस रूप का ये वाला स्टेप बना जाके हमारे पास ये वाला, फिर हमारे पास ये एड वाला ये बना जाके, तो इससे प्रूव होता है कि जो हमारे पास धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m प्लस 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यहां लेते हैं हम इससे सिद्ध है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन
9m कामा 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। देखिए ये बहुत ही वेरी सिंपल तरीका है, इससे बढ़िया मेथड आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अगर ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए।